जी बच्चों, लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक हमारा था उसमें हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग लाइंस जो हैं वो स्टिपिंग सेक्शन की और रेक्टिफायर सेक्शन की जो है ना ऑपरेटिंग लाइन किस तरह से डिजाइनिंग होती है उनकी। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो जो है ना हम थोड़ा सा अभी दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया तो परेशान नहीं होना। अगर फिर भी नहीं आएंगी तो आप लोग इंडिविजुअल मेरे पास वीकली डेज में किसी दिन भी आ सकते हो, मैं यहाँ पे ही होता हूँ यूनिवर्सिटी ही। आप लोग किसी को समझना है तो वो समझ नहीं सकता है, ठीक हो गया। बाकी आप लोग जो है ना मैसेज आप लोगों के लिए है कि ये कम से जो है ना बेशक आप लोगों का वीक है या नहीं है, ठीक हो गया। आप लोगों ने अगर लाइव सेशन लेना है मैथ ट्रांसफ़र ऑपरेशन का तो मैंने HOD से बात कर ली है, आप लोग जो है ना यहाँ पे आ सकते हो तो हम आपका मेकअप क्लास जो है वो अरेंज कर लेंगे। अगर आपने किसी को लगता है, आपको मोस्टली मैक्सिमम को लगता है कि सर जो है ना चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप जो है वो यकम फैब से जब ऑन कैंपस ओपन हो जाएगा तो आप लोग CR के थ्रू जो है ना मुझसे कॉन्टेक्ट करके मेकअप क्लास अरेंज करवा लो, तो हम ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो इंशाल्लाह एक दिन में ही जो है ना उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे पास है, हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सेक्शन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, हमने कंडेंसर की बात कर ली, हमने रीबॉयलर की बात कर ली, लेकिन और हमने जो है ना उसके फीड की बात कर ली कि फीड से किस तरह से आपके पास जो है ना एंटर हो सकती है, किस कंडीशन की फीड होती है उसके एंड लेविस सोरल मैथड। जी बच्चों जो है ना स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी से रिस्पांस दे दो यार, डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। यस सर, हो रही है स्क्रीन शो। अच्छा वो आई थिंक जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं अभी ये एक तो नेट यहाँ पर इशू बड़ा। अच्छा खैर, बात कर रहे थे कि ये दोबारा अब हम बात कर रहे थे मैकैप थेले मेथड और लेविस सोरल मेथड। ये दोनों मेथड जो है ना ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, इनकी कैलकुलेशन जो है ना वो सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना इसके ऊपर जो है आपके पास आपकी फीड जो है वो किस अकॉर्डिंग टू किस कंडीशन की है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपने मैकैप थेले मेथड से कैलकुलेशंस करनी है या सोरल मेथड से करनी है। इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ठीक हैं, दोनों कोई बातें जो है ना नंबर ऑफ प्लेट्स दोनों मेथड से ही सेम निकलेंगी, लेकिन वो किस तरह से सेम निकलेंगी वो आज हम जो है ना देख कैलकुलेट करते हैं। जी सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्लेट्स के का क्या मतलब है। आपके पास जो नंबर ऑफ प्लेट्स का मतलब ये है कि आपके पास डिस्टिलेशन के अंदर कितनी स्टेजेस हैं, कितने उसके कॉलम्स हैं हमारे पास जो है वो, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारी कॉलम के अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रेज हैं, या हम उनको प्लेट भी कहते हैं या पैक्ड स्टेजेस भी कहते हैं। तो वो कहता है कि इन ऑर्डर टू डेवलप अ मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन यूनिट टू गिव द डिजायर्ड फ्रैक्शन,
कि हमने डिस्टिलेशन को डिज़ाइन करना है यूनिट को कि हम डिजायर्ड फ्रैक्शन जो है ना वो अचीव कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि टू डेवलप एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच जो है वो हम इसके मकैब थेले या लेवस मेथड के अकॉर्डिंग जो है ना एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट्स करेंगे कितनी प्लेट्स लगेंगी उस कंपोजिशन तक जाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर अच्छा अभी करते हैं बात। कहता है फर्स्ट द हीट एंड मटेरियल फ्लोज ओवर द ट्रेज कंडेंसर एंड रीबॉयलर मस्ट बी एस्टेब्लिश। सबसे पहले हमें हीट बैलेंस मटेरियल बैलेंस इसके ऊपर लगाना होता है, और उसके साथ जो है ना रीबॉयलर्स के ऊपर क्या मटेरियल बैलेंस है, कंडेंसर के ऊपर क्या है, ये डिज़ाइन करना होता है। फिर उसके थर्मोडाइनमिक्स जो है वो बताती हैं कि हाउ मच मास ट्रांसफर इज नीडेड to establish equilibrium between the streams leaving each tray, कि हमारे पास कितना मास ट्रांसफर जो है ना होना चाहिए, कितना फ्लो रेट होना चाहिए कि आपके पास जो है जितना लिक्विड जा रहे हैं उतने ही लिक्विड ऊपर से आ रहे हैं हर प्लेट के ऊपर, सॉरी आपके कितने वेपर्स जा रहे हैं और कितना लिक्विड आ रहा है। तो रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द कॉलम कितना है हमारे पास, वो भी हमें डिज़ाइन करना होता है। टू ऑपरेट द अवेलेबल ड्रॉप ड्रॉप इन प्रेशर, ताकि हम जो है ना अगर वेपर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया तो हमें कितने एरिया जो है ना रिक्वायर्ड है, डायमीटर कितना चाहिए कि हम अपने डिस्टिलेशन कॉलम को डिज़ाइन कर सकें। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग, हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली वो डिज़ाइनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था और साथ उसकी ऑपरेटिंग लाइंस भी थी। कहता है फोर स्ट्रीम्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मटेरियल बैलेंस अक्रॉस अ प्लेट। एक प्लेट के ऊपर चार तरह की जो है ना स्ट्रीम्स होती हैं, इन विच प्लेट एन रिसीव्ड लिक्विड एल एन प्लस वन, ये आपके पास nth प्लेट है। अगर इस प्लेट के ऊपर हम मटेरियल बैलेंस लगाते हैं तो इसके ऊपर जो है मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्या हमें ऊपर से क्या आ रहा है इसके ऊपर एल एन प्लस वन, एलएन प्लस वन, और जो और वेपर्स का जो है वो कहाँ से आ रहे हैं इस प्लेट के ऊपर, वी एन माइनस जो निचली प्लेट है उसके वेपर्स आ रहे हैं और इसका ऊपर वाली का लिक्विड इस प्लेट के ऊपर आ रहा है। इसी तरह अगर हम एलएन प्लस वन वाली प्लेट लेते हैं, अच्छा पहले यहाँ पर प्लेट एन सप्लाईज लिक्विड एलएन, ये किसको सप्लाई दे रही है, निचली वाली प्लेट को माइनस वन वाली एल एन माइनस वन वाली को, और वेपर्स की फॉर्म में किसको सप्लाई दे रही है, एन प्लस वन वाली प्लेट को। ठीक है, ये डिटेल लिखी हुई है ताकि आप लोगों को समझ आए कि प्लेट्स का क्या जो है ना वेपर्स का क्या इनफ्लो है और लिक्विड का क्या इनफ्लो है, कितना आउटलेट है और कितना इनलेट है। तो चार स्ट्रीम्स का ये मतलब है कि एक प्लेट के ऊपर वेपर्स जा भी रहे हैं और उससे निचली वाली ट्रे से वेपर्स आ भी रहे हैं, दो होगी और दो लिक्विड की फ्लो रेट्स होंगे। एक आपके पास जो लिक्विड उस प्लेट से जा रहा है और उस प्लेट के ऊपर कहीं किसी प्लेट के से आ रहा होगा, तो चार हमारे पास जो है वो फ्लो स्ट्रीम्स हैं आपके पास। द एक्शन ऑफ द प्लेट इज टू ब्रिंग अबाउट मिक्सिंग सो दैट वेपर वी एन ऑफ कंपोजिशन वी एन, जो हमारे पास वेपर्स होंगे एन प्लेट के, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, वो कहता है वी एन होगी और उसकी लिक्विड की कंपोजिशन क्या हो, लिक्विड अगर होगा तो उसकी कंपोजिशन वो हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस ये सारी कहानी किसके लिए बता रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ फिलहाल हम बात कर रहे हैं मोर वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना है, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना है लेस वोलाटाइल। तो ये वाई एन किसकी कंपोजिशन होगी, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट की, किस प्लेट पे, एंथ प्लेट पे, और लिक्विड स्टेट में उसकी कंपोजिशन क्या होगी फेज में, वो एक्स एन है। इसी तरह आपके पास एल एन प्लस वन और एल एन वी एन माइनस वन कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम एंड ड्यूरिंग द इंटरचेंज, इस प्लेट के ऊपर ये दोनों चीज़ें जो ये नीचे से ऊपर आ रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, इनमें ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम जो है ना अचीव हुआ हुआ है। तो कहता ड्यूरिंग द इंटरचेंज प्रोसेस ऑन द प्लेट सम ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज वेपराइज्ड फ्रॉम द लिक्विड एल एन प्लस वन, के जहाँ से ऊपर इधर से जब वो नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ये लिक्विड्स जो हैं वो नीचे को आते हैं तब ये ऊपर से ऊपर जाने वाले वेपर्स के साथ भी हिट करते हैं, तो वहाँ से भी कुछ पोर्शन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कुछ फ्रैक्शन जो है वो वेपराइज हो जाती है और ऊपर को निकल जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो आया है वो कम्प्लीटली इसके ऊपर
एंड प्लेट के ऊपर आए, इसमें से आते हुए ट्रेन से ऊपर से आते हुए वहीं पे ही वेपराइजेशन भी हो गई और बाकी की कंडेंसेशन भी हो गई। जब पार्शियल वेपराइजेशन और पार्शियल कंडेंसेशन की बात की थी तो मैंने यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इससे हो गया था डिक्रीजिंग इट्स कंसेंट्रेशन टू xn, तो इसकी कंसेंट्रेशन जो है आपके मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, और वो लिक्विड में भी उसकी हीट भी चेंज होगी कि आपने उसने हीट दे दी तो बाकी का जो मटेरियल है वो लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब जो यहाँ से निकला था उससे ज्यादा जो है लिक्विड के अंदर जो एक्स एन थी, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, जो एक्स एन थी या इसकी बात करते हैं एल एन प्लस वन की, एल एन प्लस वन के अंदर कंपोजिशन क्या थी, एक्स एन प्लस वन। ठीक है, एक्स एन प्लस वन जो पहले थी उसमें बाकी वेपर्स भी तो मौजूद ही, डेफिनेटली वेपर्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे वो नीचे को आती जा रही है वो कंडेंस होती जा रही है, उसकी कंपोजिशन चेंज होती जा रही है। The heat required to vaporize the more volatile from the liquid is supplied by the partial condensation of the vapors. जो हमें vaporize करने के लिए जो heat चाहिए वो कहाँ से आएगी, कि ये जो वो निचली प्लेट से रिबॉयलर की तरफ से जो वेपर्स आ रहे हैं वो हीट लेके आ रहे हैं, वो कंडेंस खुद कंडेंस हो जाएंगे और अपना अपनी हीट जो है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को दे देंगे और खुद कंडेंस होकर नीचे फिर दोबारा रिबॉयलर के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो ना नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर पार्शियल वेपराइजेशन होती रहती है और पार्शियल कंडेंसेशन होती है। अब बात करते हैं हम पहले लेविस सोरेल मेथड की। लेविस सोरेल मेथड की जो ऑपरेटिंग लाइन है उसकी डिजाइन किस तरह से होती है, हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन की बात करते हैं पहले, कि हम स्ट्रिपिंग सेक्शन पे बात कर उसकी सॉरी रेक्टिफाई सेक्शन पे अगर किसी एन प्लेट के ऊपर जो है ना लगाते हैं मटीरियल बैलेंस, तो ये बनेगा वी एन इज इक्वल टू एल एन प्लस वन प्लस डी। हमारे पास जो ये वी एन है ये कहाँ जा रहा है, एल एन प्लस वन यानी कि ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, और कहाँ जा रहा है डी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वी एन कहाँ जा रहा है, समझो ये वी एन सारा का सारा यहाँ ऊपर टॉप स्ट्रीम से निकल गया, टॉप स्ट्रीम से निकल गया, जितने वेपर वी एन से निकले थे वो ऊपर जाते हुए सारे के सारे टॉप स्ट्रीम से निकल गए और यहाँ से वापस डी, कुछ इसका डी आ गया और कुछ बाकी का जो रिफ्लक्स होके आ गया वो क्या है एल एन प्लस वन। तो मैं कहता हूँ कि अगर 100 किलोमोल वेपर्स निकले एन प्लेट से, उसमें से 20 किलोमोल जो है वो डी में चले गए और बाकी 80 के जो है वो वापस आ गए कॉलम के अंदर, वो किस प्लेट में आएंगे, जो एन प्लेट से ऊपर वाली प्लेट होगी। यहाँ पर डिजाइनिंग में हमने एन प्लस वन के लिए ली है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर किया हुआ एल एन प्लस वन प्लस डी। आई होप कि ये अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा किस तरह से ये जो है डिजाइन होती है। आगे बात करते हैं जी, अब हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का बैलेंस लगा देते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। तो इसकी जो कंपोजिशन होगी ये वेपर फॉर्म है, वेपर्स हैं, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी वाई एन, एल एन प्लस की कंपोजिशन क्या होगी एक्स एन प्लस वन, और डी की कंपोजिशन क्या होगी एक्स डी। अब इसको वी एन को डिवाइड कर दो, हमने ये डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कहता है, ये चीज समझने वाली है यहाँ पे, कहता है द अबव इक्वेशन रिलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, बिल्कुल ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ वेपर को रिलेट कर रही है राइजिंग टू द प्लेट टू द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, कि ये वेपर्स कहाँ तक जा रहे हैं, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ऑन एनी प्लेट अबव द फीड। ठीक होगा, ये इक्वेशन ये आपको प्रेजेंट कर दिया, कहता है कि अगर आपके पास, मैंने मुझे याद है कि जब मैंने लेविस उसमें सॉरी मकैब थेले के अंदर मैंने एक अजम्पशन ली थी कि मोलर फ्लो रेट ऑफ वेपर ऑफ वी एन इज इक्वल टू वी एन प्लस वन, इसी तरह एल एन प्लस वन किसके इक्वल होगा एल एन के। तो यहाँ पर कहता है कि अगर मोलर फ्लो रेट कॉन्स्टेंट है देन एल एन प्लस वन को किससे रिप्लेस कर दो, एल एन प्लस वन को एल एन से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे मैंने इस एल एन प्लस वन की जगह क्या लिखा है एल एन, रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, वहां पे मैंने खाली एल लिखा था और वी लिखा था, मेरे ख्याल से मैं हम अगर बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग लाइन है जी, ये देखो रेक्टिफाइंग, या मैं हमने एल ओवर वी एन लिखा था, एल ओवर वी लिखा था, एल ओवर वी का क्या मतलब है, बल्कि यहाँ पे इससे पिछली स्लाइड में ये सेम लिखा था एल एन ओवर वी एन,
बात वही है, उसी तरह से रिप्लेस हुआ। अगर यहाँ पर मैं इसको भी लिख दूं कि ये भी बेसिकली जो है आपका ln प्लस वन ही है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ये इसके साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन ln ओवर vn डिवाइड बाय d ओवर vn, वही वाली बात है जो यहाँ पे हम एग्जांपल में इस वाले लेवस सॉरेल में भी तकरीबन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से किया, आंसर वही है, इक्वेशंस भी उन्होंने तकरीबन सेम ही डिजाइन की थी। तो ये आपके पास लेवस सॉरेल की रेक्टिफाई सेक्शन की आपके पास क्या निकल आई, ऑपरेटिंग लाइन। इसी तरह ये स्ट्रिपिंग लाइन के लिए होगा, सिमिलरली हम मैट वेट मटेरियल बैलेंस लगाएंगे निचले वाले सेक्शन पे, एम प्लेट के ऊपर लगाएंगे, तो एम प्लेट के ऊपर जो है हमारे पास वो क्या है, एल एम इज इक्वल टू वी एम प्लस डब्ल्यू, ठीक है, हमारे पास यहाँ से नीचे से जो ऊपर को आ रहे हैं वो वी एम सॉरी जो स्ट्रिपिंग सेक्शन में एम प्लेट है वो किसके इक्वल होगी, वी एम के और प्लस डब्ल्यू के, क्या डब्ल्यू निकल रहा है और कितने जो है ना वो वी एम जो है वो कितना आपके पास यहाँ से निकल के जा रहा है स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो इसके ऊपर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस लगाया, उसी तरह वी एम को इधर डिवाइड कर दिया, इसको भी इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने बेसिकली यहाँ से वी एम को इधर रहने दिया, डब्ल्यू को उधर जाकर माइनस किया है, तो एल एम माइनस डब्ल्यू, तो इसलिए एल एम माइनस डब्ल्यू और इसके ऊपर मोर बैलेंस लगाया ताकि हमारे पास वाई एम जो है उसके लिए इक्वेशन बन जाए। सिर्फ इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज करो देन मोर बैलेंस लगाओ तो आपके पास ये रेक्टिफाइंग सेक्शन की हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन आ जाती है। तो ये इसके बाद जो है ना हम अब इससे जो है ना एक्सपेरिमेंट जो है आपकी एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास कोल्सन के जो बुक है उसकी एक एग्जांपल मैं कहता हूँ, कहता है वो अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन कंटेनिंग 40% बेंजीन, आपके पास मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बेंजीन है तो उसका 40% है, तो दूसरी की क्या होगी 60% टू गिव अ प्रोडक्ट कंटेनिंग 90% मोल परसेंटेज ऑफ बेंजीन एट द टॉप। हमारे पास हमें जो डिस्टिलेट में क्या चाहिए, हमें डिस्टिलेट में 90% बेंजीन चाहिए, तो 90% बेंजीन का मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्टिलेट की कंपोजिशन है बेंजीन की एक्स डी जो है वो कितना है 0.9, कितना है वो 0.9, तो बेंजीन का एक्स डब्ल्यू कितना होगा 0.1। आप लोग को मुझे जरा रिस्पॉन्स दे दो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, छोड़ के जा रही है बस जी। मैं सर बस जिस तरह ऑनलाइन की होती है उसी तरह ही है। नहीं जो आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों के साथ, आवाज क्लियर आ रही है सर और समझ भी आनी चाहिए क्योंकि सामने जो चीजें लिखी हुई है वही पढ़ा रहा हूँ मैं, कौन सा कोई कहानी सुना रहा हूँ, साथ साथ देखते भी जो कोशिश कर रहे हैं साथ में। अच्छा खैर, अच्छा अभी तक तो हमने सिर्फ ठीक है अभी तक हमने की थी सिर्फ डिजाइनिंग इक्वेशंस की, अब उन डिजाइनिंग को यूज करके हमने निकालनी है ये जो ना कंपोजिशन, हमें कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग, ठीक हो गया, हम नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए हमने ये डिजाइनिंग की है। अब हम करते हैं जी, अब ये क्वेश्चन है इसमें 90% आपको प्रोडक्ट चाहिए जो टॉप से निकलेगी एक्सडी हमारे पास कितना है 0.9। अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो ये ऑपरेटिंग लाइन्स होती हैं ये वाली इक्वेशन देखो याद हो तो मैंने यहाँ पे बात की थी ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका एक्सडी, ठीक है, ये अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास कितनी यहाँ पे कौन सा किस जगह ये पॉइंट लगेगा, पहला डिस्टिलेट वाला पॉइंट तो कहाँ लगेगा, अब उसने बता दिया 90% बेंजीन है तो 90% बेंजीन लिक्विड फॉर्म में है और 90% की बेंजीन जो है वो आखिरी प्लेट से निकल के जा रही है, तो इसीलिए उसको बेसिकली यहाँ पे उसको कहना हमें ये चाहिए था कि ये वाई वाई डी है, ठीक
है, लेकिन वाई को हमने कहा कि ये वाई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स डी के, और एक्स भी किसके इक्वल हो गया, एक्स डी के, इसलिए हमने इसको एक्स डी एक्स टी किया कहा था। और जो दूसरा पॉइंट था इससे नीचे वाली उसका स्ट्रिपिंग सेक्शन का, उसमें हमने इस निचले वाले पॉइंट एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम है, ये वाली, इससे मुझे डब्ल्यू भी मिल रहा है, यू भी, परसेंटेज टॉप पे चाहिए मुझे, टॉप पे चाहिए, तो 90% अगर टॉप से चाहिए, तो अगर मैं ये वाली अगली लाइन ना भी लिखूं तो अंडरस्टूड बात है कि बेंजीन जो है 10% कहाँ से जा रही है, बॉटम से निकली है, बॉटम से। तो एक्स डी कितना है, 0.9, ठीक है। और आपके पास ऑपरेटिंग लाइन के उस पे एक्स वाई डायग्राम जो इक्विलिब्रियम डायग्राम है, उसके ऊपर पॉइंट आपके पास, पहला पॉइंट मिल गया एक्स डी का, और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपके पास इस इंफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन में दी हुई। अगर मैं ना भी दूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में ना भी आए, जब आप कहीं पे टेस्ट देने के लिए जाते हो, तो वहां पे अगर वो ये वाली कंपोजिशन निचली बॉटम की प्रोडक्ट की कंपोजिशन ना भी दे, तो आपको अंडरस्टूड बात होनी चाहिए, आपको पता है कि 90% प्योर हो रहा है, तो 10% तो बाकी बॉटम से निकलेगा ना, ठीक हो गया। तो अब एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू भी आ गया, अब आपने उसको किस तरह से ड्रॉ करना है वो आगे बता दूंगा। था फीट एंटर्स द कॉलम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, आपके पास जो फीड एंटर हो रही है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उसको हमने गर्म किया है, एंड द वेपर्स लीविंग द कॉलम विच इज कंडेंस्ड, वेपर्स जो हमारे पास कॉलम से निकल रहे हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, विच इज कंडेंस्ड बट नॉट कूल्ड, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, प्रोवाइड्स द, कंडेंस करने का, अगर फुली कंप्लीटली अगर मैं उसको कूल करूंगा ना, इट मीन्स कि हमने टोटल कंडेंसर लगाया है, टोटल कंडेंसर लगाया है कि हमने कंप्लीटली वेपर्स जो निकले थे कॉलम से उनको कंप्लीटली सेपरेट कर दिया, लेकिन वो कह रहा है यहाँ सिर्फ हम कंडेंस करवा रहे हैं, कंडेंस करने के बाद कुछ पोर्शन जो है वो आपके पास एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगी, और कुछ आपका रिफ्लक्स होगा, अगर सिंपल कंडेंस करवा रहे हैं, कूल्ड नहीं करवा रहे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने की जरूरत है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन चेंज करके दिया जा सकता है कि आप जो वेपर्स निकल रहे हैं वो आपके कंडेंस करवा रहे हैं आप, या उसको कूल्ड करवा रहे हैं, अगर कूल्ड करवा रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट मिल रही है, रिफ्लक्स एल ओवर डी, एल ओवर डी, एल कितना है, इतना, डी कितना है, 1 किलो मोल, ये 3 है वो 1 है, ओके, इट इज डिजायर्ड, अभी इसे निकालते हैं आगे फर्दर, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ सर, सर थ्योरेटिकल प्लेट्स, हमें क्या जरूरत है कि स्क्रीन नहीं शो हो अच्छा रही सर, स्लाइड नहीं शो हो रही। ओके जी, ठीक है वो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है कि क्या हुआ है जी, अब हो गई है, आई होप कि हो गई होगी। जी तो यहाँ से दोबारा बात कर लेते हैं कि द फीड एंटर्स द कॉलम बॉइलिंग पॉइंट तक, उसको गर्म किया है, और हमारे पास जो वेपर्स निकल के आ रहे हैं कॉलम से, उसको कहता है कि उसको कर लो कंडेंस्ड, उसको कंडेंस कर लो, और बाकी, या कह रहा है कूल नहीं कर रहे, दोनों चीज में फर्क है, मैं इन्हें अभी बता रहा था, आप लोगों को शायद आवाज तो आई होगी, कंडेंस कंडेंस का मतलब है कि आप पार्शली कंडेंस करवा रहे हो, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट में मिल जाएगा और कुछ रिफ्लक्स मिल जाएगा। अगर आप कूल करवाते, अगर मैं आपको क्वेश्चन में कह दूं कि आपने यहाँ पे जो है ना लिविंग द कॉलम विच इज कूल्ड, इट मींस कि आपका रिफ्लक्स जीरो, रिफ्लक्स मिनिमम ना होने के बराबर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे वो कंडेंस करवा रहा है तो हमें वो रिफ्लक्स भी दे रहा है और प्रोडक्ट भी दे रहा है। प्रोडक्ट कितनी देता है वो भी निकाल लेते हैं। रिफ्लक्स रेशो दी हुई है उसने, रिफ्लक्स रेशो कितनी है 3 किलो मोल पर किलो मोल प्रोडक्ट, ठीक है, एल ओवर डी दिया हुआ है, एल ओवर डी। तो अब इससे निकालो कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो कितनी चाहिए और आपकी एंट्री फीड की जो एंट्री है वो आपने कौन सी प्लेट के ऊपर ऐड करनी है। हम शुरू में हमने ये बात की थी फीड की कंडीशन पे, हम कहते हैं कि हमें इसको अंदाजा लगाना है कि इसको हमने ऊपर से एंटर करवाना है, नीचे से एंटर करवाना है या सेंटर से एंटर करवाना है, ठीक है। हमने बात की थी कि अगर आपके कंप्लीटली सैचुरेटेड वेपर्स वाली फीड होगी, सैचुरेटेड वेपर्स वाली फीड होगी तो हम उसको कहाँ से एंटर करवाते हैं, बॉटम से, शिपिंग सेक्शन से। और अगर आपके पास कम जो सैचुरेटेड लिक्विड्स हैं, सैचुरेटेड लिक्विड्स हैं, देन आप जो है उसको शिपिंग सेक्शन वाले हिस्से में से, ठीक हो गया। और अगर आपके पास वेपर्स भी मौजूद है और लिक्विड भी मौजूद है तो आप उसको सेंटर से ऐड करते हो। तो आप वो कह रहा है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम फीड एंटर्स द कॉलम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब अचीव हो जाएगा तो वो वेपर्स बनाना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वेपर्स बनाना स्टार्ट। इट मींस कि हमारे पास कोई दरमियानी की जगह है, वो कैसे है वो अभी आपको बता देते हैं। और कहता है डायग्राम, इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है ये समझो कि ये आपके पास 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, ये तकरीबन 1 एटमॉस्फेयर के करीब करीब का टेम्परेचर है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो तकरीबन आपके पास 1 एटीएम ही बनता है। ये कहता है 1 एटीएम से थोड़ा कम है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाते हैं जी मटेरियल बैलेंस, लेविस सोरेल के अकॉर्डिंग जो है ना, हमें हम कहते हैं कि पहले हम फीड को बेसिस सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपकी जो फीड है वो समझो कि कितनी है, 100 किलो मोल ऑफ फीड, ठीक है। सबसे पहले ये आपका, ये अगर नहीं करोगे ना तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है आपकी फीड कितनी है, जो जिस तरह हम मैस करते थे ना, या हम किलो मोल्स उसके लिए करते थे वेपर्स के लिए कि इतने किलो मोल्स हैं, इतने ग्राम्स जो है वो आपकी एंट्री मैस है, टोटल मैस जो है सपोज कर लेते हैं। तो अज्यूम कर लिया कि फीड 100 किलो मोल है, ओवरऑल बैलेंस जो है ना वो आप अपर सेक्शन में, अब पहले अपर में लगाएंगे फिर लोअर में लगाएंगे। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो ऑपरेटिंग लाइंस आ जाएंगी। पहले हम उन ऑपरेटिंग लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ डाटा जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जी पहले कहता है कि एफ इज इक्वल टू किसके है, डी प्लस, ये ओवरऑल बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस पूरे कॉलम के ऊपर, एफ एंटर हो रही है ऊपर आखिरी प्रोडक्ट के, डी नीचे प्रोडक्ट क्या है, डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू, एफ कितना है 100, ठीक हो गया। बेंजीन के ऊपर मोल जो है मोल बैलेंस लगा दो, सॉरी कंपोनेंट बैलेंस, एमवीसी का मतलब है मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, एमवीसी का मतलब है मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। जी आपने इक्वेशन क्या पढ़ी, इसके ऊपर इक्वेशन क्या लगेगी, यहाँ पे बेंजीन कितनी है 40%, यहाँ पे आना चाहिए था आपके पास XF, XF, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ इसके ऐड भी करता जाऊं, तो आपको थोड़ा जो है ना ये होगा कि पता लग जाएगा कि क्या चीज जो है ना इस तरह से मैं डिजाइन कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। ये इसको मैं लिख देता हूँ कि ये आपके पास F, ठीक हो गया, F किसके इक्वल है यहाँ पे D प्लस W के, ठीक हो गया। ये समझो यहाँ से आई, अब यहाँ पे ये किसके, यहाँ पे अगर मोल बैलेंस लगाऊंगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगी, एक्स एफ फीड क्या है इसकी, बेंजीन की, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स डी हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या होगी, एक्स
इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि जी ये यहाँ से आई है। इसके ऊपर फीड के अंदर एक्सएफ कितना है, 40% ऐड कर रहे हो बेंजीन, 40%, इसलिए यहाँ पे आपकी एक्स डी कितना है, 90%, एक्स डब्ल्यू कितना है उसका, इसको जो ना सॉल्व करो तो यहाँ से आपके पास W की क्वेश्चन है, W निकल आएगा। D क्या है आपके पास, सॉरी ये D को रिप्लेस किया है किससे, 100 माइनस W से, 100 माइनस W से वैल्यू पुट की, D निकल, W निकल आया, और दोबारा वापस ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसको जो है ना माइनस कर लो, 100 में से इसको माइनस करो तो डी निकल आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल आई जो है ना, फ्लो रेट निकल आया है, या आपके पास फ्लो निकल आया कि कितना आपके पास मटेरियल बैलेंस निकल आया, कितना मास जो है वो एफ में था, कितना डी में जा रहा है और कितना डब्ल्यू में जा रहा है, बॉटम में कितनी पर जा रही है और डी कितना रिसीव कर रहे हो। तो ये आपके पास आ जाएगी एफ डी डब्ल्यू की वैल्यू। अब बात करते हैं कि हमारे पास उसने दिया हुआ रिफ्लक्स रेशो, उसने दी हुई है रिफ्लक्स रेशो कितनी दी हुई है जी, यहाँ पे मैं उसको इस चीज को जो है ना लिखने लगा हूँ, ये यहाँ पे लिखी नहीं हुई थी, एल ओवर क्या होती है, एल ओवर डी होती है, एल ओवर डी, सॉरी एल ओवर डी होती है, रिटर्न टू विड्रॉ कितनी दी हुई है, 3 किलो मोल पर, ठीक है। तो ये डी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल एन इज इक्वल टू 3 डी, डी की वैल्यू दी हुई है तो मेरे पास एल एन का मोल बैलेंस, वो मटेरियल निकल आया कि कितना मेरे पास एल एन का जो मास है, कितनी जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो कन्वर्ट होके आ रहा है, और वी एन कितना है, वी एन हमारे पास कितना है कि अगर हम अपर सेक्शन की बात करें तो हमने बात की थी वी एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एल एन प्लस डी के, वी एन जो ऊपर से निकल रहा है वो किसके इक्वल है, स्ट्रिपिंग सेक्शन उसमें रेक्टिफाइंग में जो टॉप ये वाला यहाँ पे, ये अगर वी एन है तो ये किस में जा रहा है, डी, इसमें डी में, और यहाँ से जो ये एल है एल एन, अगर ये एन प्लेट के ऊपर ही जाके गिर रहा है और यहाँ से ये निकल रहा है तो उस मोल बैलेंस से मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया, उसमें ऑपरेटिंग लाइन में भी दिया हुआ था V इज इक्वल टू एल एन प्लस डी, एल एन भी आ गया डी भी आ गया, तो ये भी आ गया आपके पास कैलकुलेट हो गया और वी एन भी कैलकुलेट हो गया। ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इक्वेशन में भी देख लीजिएगा। अब आपको पता है कि टॉप टॉप ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन क्या होती है, टॉप ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन आपके पास ये होती है जी, y is equal to yn is equal to ln over vn into xn plus 1। इधर क्या होता है जी आपके पास d divided by vn into xw, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी भी थोड़ी देर पहले, मैं सिर्फ आपके लिए जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसको दोबारा से लिखना पड़ गया, वरना मुझे जरूरत नहीं थी, आप लोगों को याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे कि जो है ना क्या ऑपरेटिंग लाइन है रेक्टिफाइंग सेक्शन की और क्या ऑपरेटिंग लाइन है आपके पास स्ट्रिपिंग सेक्शन की, ठीक है। अगली इक्वेशन मैं खुद लिखूंगा नहीं, आप लोगों ने अभी जो मैं पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ इक्वेशंस वही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एल एन की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे दी हुई है 112.5, और वी एन की कितनी है 150, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये कितनी है इतनी है, डी की वैल्यू कितनी है ये है एक्स डब्ल्यू जो है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये एक्स डी आएगा, ठीक है, और ये जो है ना ये अलग है और वो अलग है, ये डॉट इसके साथ मल्टी, ये आपको पता ही है पीछे वैल्यू वी एन 150 आपके पास ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप जो है निचले सेक्शन के लिए भी जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, निचले सेक्शन में मोल बैलेंस लगा मटेरियल बैलेंस लगाए हैं तो एल एम किसके इक्वल है, एल एम प्लस एफ के, यहाँ पे एफ क्यों आया है,
यहाँ पे ऐप इसलिए आया है कि आपके पास एम प्लेट के ऊपर से एलएन भी गिर रहा है और फीड भी एंटर हो रही है, फीड भी एंटर हो रही है, ठीक है। ये वाला भी लिक्विड स्टेट में है तो ये यहाँ से गिर के इसके ऊपर आएगा, ठीक है, एफ का। इसलिए इसको यहाँ पे एफ भी किया है, एलएम जो किसके इक्वल होगा एफ के, और ये ऊपर वाली प्लेट से, एन वाली प्लेट से जो गिर के लिक्विड आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे आके हमें बता देंगे कि एलएम इसका लिक्विड कितना है, एम प्लेट पे लिक्विड कितना है ऊपर वाली प्लेट से, और मजीद जो एंटर हो गया उससे कितना है। ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ एल एम प्लस इज इक्वल टू एल एम प्लस एफ, यहाँ से आपके पास ये पता है आपको, ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया था एल एम कितना है, एफ भी पता है, वो हमने बेसिस कहा कि अगर 100 किलो मोल आ रहे हैं तो ये एज इट इज 212.5 किलो मोल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं निचले सेक्शन पे वी एम कितना होगा, वो मटीरियल बैलेंस लगाओ इसके ऊपर, वही जो अभी आप लोगों को यहाँ पे ये समझाया है, ये वाला मटेरियल, तो W Vm किसके इक्वल है, Lm माइनस W के, तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर लो कि ये वैल्यूज पुट करो तो Vn भी आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, वन Lm Vm किसके इक्वल आ गया 150, जो कि किसके इक्वल है Vn के, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास जो है ये आ जाएगा दूसरा। अच्छा यहाँ पे देखो एक मजे की इंटरेस्टिंग चीज देखो, एल एम कितना है 212 और एल एन कितना है यहाँ पे 112, 112 ये, और जमा जमा मजीद फीड एंटर हो गई तो 212 ही होगा यार, ठीक है, तो ये कैलकुलेट होगी। अब हमारे पास इसकी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन क्या होती है जी, ये आप लोगों ने यहाँ पीछे पढ़ ली है, ये वाली इक्वेशन है एल एम ओवर वी एम एक्स एम प्लस वन माइनस डब्ल्यू ओवर वी एम एक्स डब्ल्यू। इस इक्वेशन को यहाँ पे उसने प्लेस किया, उसकी एल एम डिवाइडेड बाय वी एन, एल एम की वैल्यू 212 और वी एन की वैल्यू जो है वी एम की या वी एन की 150, और यहाँ पे ये कंपोजिशन है, यही इसी से ये निकलेंगी, ये दोनों चीजें निकलेंगी, देन हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट होंगी, हर प्लेट के ऊपर ये दो कंपोजिशंस जो है ना वो कैलकुलेट होंगी, वो किस तरह होंगी वो अभी डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास कंपोजिशन है, ये आपके पास जो है डब्ल्यू है और वी एन है, इक्वेशन बन गई ये। अब इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले हम इक्वेशन लगाते हैं, पहली इक्वेशन जो हमने अपर सेक्शन के लिए डिजाइन की है ये वाली, फिर हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं हम के स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा जी, ये समझो कि आपके पास में एक हॉरिजन, वो जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैंने ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पे बना ली, ठीक है, और यहाँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ऊपर पहला पॉइंट मुझे ये एक्स डी उसने दिया हुआ है, कितना 0.9, कितना दिया हुआ है 0.9, तो ये मैं, ये बड़ी चीज समझने के लिए वाली है, इसको जो है ना गौर से समझ लो कि किस तरह से ये जो है ना ऑपरेटिंग लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर। मेरे पास ये कर्व थी आपकी, ठीक हो गया, बेंजीन और टॉलविन के लिए ये कर्व थी इक्विलिब्रियम कर्व, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन थी, ये उसकी इक्विलिब्रियम कर्व है, मुझे यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 0.9, मुझे यहाँ कंपोजिशन दी है एक्स डी की 0.9, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक इस ये जो आपका पॉइंट आया है ये एक्स डी वाला, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है ना ये एक लाइन खींच दी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी मैंने ये किस तरह से पॉइंट लगाया है, ठीक है, यहाँ पे ये 0.9 था, यहाँ से आप इसको सीधा रख के इस वाली जो सेंटर वाली लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट लगा दिया 0.9 है, ओके 0.9 वाली एक पॉइंट इधर, इसके अकॉर्डिंग भी ये कितना है 0.9, क्यों हमने वहां बात की, ये इस जगह ये एक्स डी वाई डी, वाई डी जो है वो भी किसके इक्वल है एक्स डी की, तो यहाँ पे हमें एक्स डी की वैल्यू दी हुई थी, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 0.9 के ऊपर, 0.9 के ऊपर, ओके हो गया। अब हमने
क्या करना है, अब हमने जो है पहला पहला पॉइंट लग गया मेरा, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है इसके अकॉर्डिंग ये आपकी कैलिब्रेशन कर्व को जहां टच करेगी, जहां पे टच करेगी, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब हमारी नंबर ऑफ प्लेट स्टार्ट होने वाली है, कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। वो अभी पहले ये डायग्राम समझ लो, देन मैं आपको वो समझाता हूँ कि वो हमारे पास किस तरह से होंगी। ये आपका जो है ना लाइन आपने ड्रॉ की, यहां से इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम का कोई जो पॉइंट है वहां टच करे ये y वाली लाइन, ठीक है, ये जो y इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो जहां पे इस इक्विलिब्रियम कर्व को टच करेगी वहां से आपने एक नीचे लाइन गिरानी है, वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन गिरानी है उस पॉइंट से नीचे की तरफ, एक्सिस की तरफ। वो आपको कंपोजिशन देगी एक्स की, वो पहली प्लेट के ऊपर जो सबसे टॉप की प्लेट होगी, इसलिए मैं अच्छा देखो यहाँ पे उसने उसको कह दिया ये कंपोजिशन किसकी है, वाई टी की। वाई टी कितना है आपके पास, 0.9, 0.9। तो टॉप प्लेट के ऊपर लिक्विड की क्या कंपोजिशन है, वो आपके पास इस पॉइंट से नीचे जब गिराओगे ना इक्वेशन वो परपेंडिकुलर तब निकलेगी, नीचे आते जाओ और यहाँ पे निकल आएगी, कितनी निकलेगी वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ से मैंने किस लाइन के ऊपर, सबसे पहले बात आती है किस लाइन के ऊपर आपने जो ना इसको ड्रॉ करना है, नीचे किसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है। भाई भाई साहब आपको एक जो ना वो स्लोप निकालना सिखाई थी, स्लोप निकालना सिखाई थी, ये देखो ये स्लोप है, ये ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप है, ये ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप है। ये कैसे स्लोप आई, ये ऐसे आई कि अभी यहाँ पे जो है ना आपको स्लोप निकाल के ये बनी हुई है, समझा देता हूँ। पहला पॉइंट ये था उसका वाई, इस इक्वेशन को जो हम अगर हम ले इस इक्वेशन को, ये अच्छा ये इक्वेशन तो दूसरी है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0.22, 0.225। तो आप भाई इस y के ऊपर 0.22 के 225 के ऊपर एक पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट ये लग गया और एक पॉइंट ये लग गया, इन दोनों को आपस में मिला दो और जो है ना इन्वर्टेड लाइंस जो है उस वो बना दो, ये आपके पास एक ऊपर वाले सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है। इसी तरह आपके पास दूसरी इक्वेशन से निकल आएंगी, ये वाली इक्वेशन में आपका y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, -0.042। मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि माइनस वाला पॉइंट कहाँ पे लगेगा इस डायग्राम में, इक्विलिब्रियम एक्स वाई डायग्राम में। अब ये देखो ये वाला यहाँ पे लगना था, ये इधर करके जाके 0.05 ये वाला पॉइंट, और इसका जो डब्ल्यू वाला पॉइंट है वो कितना है, वो ये है जो 14th नंबर पर जो पार्ट है वो आप समझो कि ये वाला पॉइंट है वो एक्स डब्ल्यू वाला। यहाँ से देख लो इस तरह के, मैं इसी लाइन को आपको समझाने के लिए जो है वो शॉर्ट कर देता हूँ ताकि जो है वो आप इससे समझ लो कि ये आपकी जो है इसको, ये आपका 0.1 वाला है कि आपके एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1, ये वाली 0.1 देखो एग्जैक्ट। तो आप स्केल रखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने के लिए, और लाइन लंबी लाइन जो है ना खींच दो, ये जो आपका जहां पे ये दोनों ऑपरेटिंग लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ये आपका जो है ना कह लो के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके बाद इस पॉइंट के निचले वाली निचला सेक्शन, इस पॉइंट पे जो भी कंपोजिशन होगी उस पॉइंट के बाद आपका जो सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वो स्टिपिंग हो जाएगा, और इस पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो रेक्टिफाइड सेक्शन होगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट हम मजीद भी जो है ना इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया
पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग लाइन समझाई थी लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में, और साथ उसकी स्लोप बनाना सिखाई थी कि किस तरह से स्लोप गिरती है ऑपरेटिंग सेक्शन में और किस तरह से स्लोप गिरती है आपके स्ट्रिपिंग सेक्शन में। उसी बेसिक्स को लेके मैंने ये इक्वेशन ड्रॉ, ये डायग्राम जो है ना उसने ड्रॉ की हुई है। कैसे ड्रॉ की है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये पॉइंट लगाया। अब बात करते हैं इससे नीचे गिराओगे तो ये टॉप प्लेट की कंपोजिशन आ जाएगी। तो जी ये वो कहता है कि यहाँ से नीचे आते जो तो मेरे पास XT कितना आ जाएगा, तकरीबन ये 0.80 से थोड़ा सा इधर को आके जो है ना टच करेगा। अगर मैं इसको आपके लिए इस तरह आसानी के लिए कर देता हूँ तो ये देखो तकरीबन ये है 0.79 के करीब जो है ये XT आया, और YT कितना है 0.9। अच्छा अब क्या करना है, अब अगली लाइन कैसे खींचनी है, कैलिब्रेशन कर्व को जो टच करे, जो थर्ड पॉइंट पर टच करती है वो ऐसे करेगी, सॉरी ये देखो ये जो दूसरे नंबर पर ये जो इंटरसेक्शन लाइन जो आपकी स्लोप वाली लाइन है इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लाइन। ऑपरेटिंग लाइन को जहां पर टच कर रही है ये वाली, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है और इस वाई की तरफ, तो ये आ गया। ये जो जहां पर पॉइंट टच किया ये थर्ड पॉइंट, ये आपको दे देगा कि वाई टी माइनस वन। ये अगर ऊपर वाली टॉप वाली है तो इससे नीचे वाली उससे छोटी होगी ना प्लेट, इसीलिए उसको उसने t माइनस वन कह दिया। अगर मैं आपकी जो ना इक्वेशन जो हमारे पास हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी में कह दूं कि हमने पढ़ा था कि जो है ना ये yn वाली होगी, या यूं कह लो कि yn प्लस वन होगी। अगर मैं t n की जगह t माइनस वन करूं तो yn हो जाएगी। हाँ ठीक है ये जब ये चीज है ना ये कैसे आती है ये मैं बाद में समझा दूंगा, फिर लेक्चर जो है ना बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में ही आपको ये सारी कंपोजिशन देनी है। मैं कह दूंगा आपको कि मुझे नंबर ऑफ प्लेट्स भी निकाल के दिखाओ और नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर कंपोजिशन भी बताओ, वाई की कंपोजिशन क्या है और एक्स की कंपोजिशन क्या है। वो इसी डायग्राम से खुद ही ड्रॉ होती जाएंगी। ये आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है, ये इस तरह से आपने लाइने लगा लगा के जो है ना एक डायग्राम को जो है वो इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। और आप ये चीज भी देखूंगा जब आप पेपर देने आओगे कि आप लोगों ने किस तरह से लाइनें ड्रॉ की हैं, पॉइंट सही लिए कि नहीं लिए, फिर उनका आंसर जो क्या होंगे वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.79 की जगह आप कह दो जी सर जी ये 0.77 है, ठीक है, या 0.75 के करीब कह दो। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये ना होना कि आपके पास जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा हो। तो ये आपके पास वो ग्राफ्स जो होते हैं वो फिर यहाँ पे एक्सेल ग्राफ में बनती हैं ये। ठीक है, ये एक्सेल में बनती हैं, वहां पे हर पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू आ जाती है। खैर बात करते हैं अगली। ये यहाँ से नीचे गिराओ इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ये आपकी जो ये वाली लाइन है। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि आपके लिए और आसानी करने के लिए जो है ना इस ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर ही जो है ना ये वाली लाइन खींच देता हूँ, ये वाली, ये लो यहाँ से इसको जो है ना कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि आप जो है ना इसको समझ सको। ये लो जी इस ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर जो है ना आप, ये ऑपरेटिंग लाइन है पहले ऊपर वाले सेक्शन की, इसके ऊपर ये पॉइंट गिराया फोर्थ नंबर पे, इस फोर्थ नंबर को नीचे तक ले आओ तो आपके पास कंपोजिशन निकल आएगी। ये t माइनस वन प्लेट थी तो ये एक्स टी माइनस वन, इसके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया इसके इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर, इक्विलिब्रियम कर्व पे वो जो परपेंडिकुलर है वो फिफ्थ पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे वाई टी माइनस टू आ जाएगी और ये एक्स टी माइनस टू। फिर ये इस पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर गिराया 6 से 7 की तरफ तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया। देखो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात आ गई। एक और अब देखो फीड कितनी थी, फीड लाइन क्या है, फीड की लाइन ये है 0.4 के अकॉर्डिंग ये लगी हुई 0.4। अब आपके पास जो ये वाला पॉइंट आया वो फीड से निचली उस पर आ गया, अब कहाँ पे आ गयो,
ये फॉर एग्जांपल ये एक्स टी की वैल्यू जो है ना इस पे टी माइनस थ्री एक्स टी माइनस थ्री की कंपोजिशन आपकी इस वैल्यू से कम हो जाएगी, इस 0.4 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लो ये इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नीचे जो आएगी ना तकरीबन 0.38 समथिंग करीब, ठीक है 0.38, ठीक है। तो ये आपके पास 0.38 आ रही है तो इट मींस कि ये फीड से कम हो गई है। आपके पास अब जो पॉइंट लगेगा वो इस पॉइंट पे नहीं लगना था, वो इसको यहां से देखा हमने कि ये पॉइंट अगला जो लगा है इसको क्रॉस कर चुका है, फीड लाइन की ऑपरेटिंग लाइन को क्रॉस कर चुका है, इसलिए अब ये बजाय इस येलो वाली पीक के ऊपर गिराना है हमने परपेंडिकुलर, हम किसके ऊपर गिराएंगे, हम अब गिराएंगे दूसरी वाली इक्वेशन के ऊपर जो कि हमारी ये वाली ऑपरेटिंग लाइन है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ अभी आप लोगों के लिए ताकि आप इसको इजीली समझ भी सको, ठीक है। लो जी इसका हम कलर कर देते हैं चेंज, लो ये लो। अब हमारे पास जो सेवंथ प्लेट से नीचे परपेंडिकुलर गिरेगा बेसिकली वो रेड वाली लाइन पे करेगा और वो एट्थ पॉइंट है, एट्थ पॉइंट इसको नीचे तक लेके आओ कैलकुलेट हो जाएगी टी माइनस थ्री की कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। इससे फिर आप आगे मजीद परपेंडिकुलर गिराओ इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर, नवा पॉइंट आ जाएगा, नवे पॉइंट से टी माइनस वाई टी माइनस फोर की कंपोजिशन आ जाएगी। इससे फिर नीचे गिराओ इस वाली इक्वेशन पे। अब हमने इसको इग्नोर कर देना है, इसमें हमने ऊपर वाली इस वाली लाइन को इग्नोर किया हुआ था, यहाँ पे ऑपरेटिंग लाइन ये एप्लीकेबल होती है और निचले वाले पोर्शन में फीड से निचले वाले पोर्शन में स्ट्रिपिंग की स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये इस तरह 11 11 से 12 12 से 13 13 से 14 पॉइंट और 14 से 15 पॉइंट और फिर आपके पास आखिरी जो कंपोजिशन निकलेगी ये देखो यहाँ पे आपकी ये वाली जो फीड ये वाली जो मैंने ब्लू लाइन बनाई थी ये इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ कि ये कर देता हूँ जी, और इसका थोड़ा ये भी इंक्रीज कर देते हैं, इसकी वेटेज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं इतना। ये आपके पास कौन सी थी, ये आपके पास एक्स डब्ल्यू वाला पॉइंट था। अभी यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्लेट्स जो आपकी वाई टी माइनस सिक्स की कंपोजिशन है वो आपकी बॉटम प्लेट से ज्यादा ही है, इसका मतलब है अभी एक और प्लेट लगेगी कि हम उसके पास जाके अचीव कर सके। अगली प्लेट लग गई और यहाँ पे आपके पास जो कंपोजिशन आई ये क्या आ जाएगी, उससे पहली वाली से कम आ जाएगी। ये अगर इसको कहूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे है तकरीबन इस तरह से ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, सेंटर में कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स डब्ल्यू वाली वो है। यार ये अमित खोल दे सारी चीजें, दरवाजा भी खोल दे घर से। अच्छा ये आपके पास जो है ना लास्ट प्लेट है और लास्ट प्लेट के ऊपर जो आखिरी कंपोजिशन है वो कितनी है और इधर से वाई टी माइनस निकलेगी। अब हम जो है ना इसको न्यूमेरिकली मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह वाकई ही ये वैल्यूज जो है ना तकरीबन मिलती जुलती हैं या नहीं है जी। वाई टी माइनस वन के ऊपर जो है ना इधर से देखो वो कहता है कि वाई टी की वैल्यू तो आपने वैसे ही निकाल ली 0.79, ठीक है 0.79 और वाई टी भी निकल आया, तो कहता है अब उससे अगली प्लेट पे हम वो आपकी वो लगाते हैं ऑपरेटिंग लाइन में इक्वेशन में वैल्यूज लगाते हैं जी। ये देखो उसने यहाँ पे 0.79 कहा है, उसको आई थिंक मैं यहाँ से कुछ चीज ना मिसिंग कर गई हूँ, तो आप ऐसा करो कि यहाँ से देख सकते हो। ये देखो ये वाला पॉइंट मैं मिसिंग कर गई हूँ कि वो कह रहा है कि ये वाई टी कितनी है 0.9 और एक्स टी कितना है 0.79, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेंगे हम, ये वाली इक्वेशन जो है इसको जो है इसको इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम निकालेंगे कि इस टी माइनस वन पे, ठीक है टी एन की जगह हमने क्या पुट किया टी माइनस वन, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें वाई एन की जगह हमने एन प्लेट, कौन सी प्लेट है हमारी, प्लेट का नाम क्या रखा है हमने टी माइनस वन, टी माइनस वन,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको इसकी जगह बाय एन की जगह रखता हूँ टी माइनस वन, ये आपकी स्लोप है जो कि हमें इक्वेशन ने दी थी। एक्स डी कितना आया, इससे ऊपर वाली प्लेट का आना चाहिए था ना, ये वाला एन प्लस वन, अगर हम एंथ प्लेट पे लगा रहे हैं तो उससे जो एक्स की कंपोजिशन होगी वो कौन सी होगी, ऊपर वाली प्लेट की। तो यहाँ पे वो जो है उसको ऊपर वाली प्लेट में एक्स टी कितना आया, 0.79, 0.79, मैंने उसको लिख दिया। ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू इक्वेशन में दी हुई है, ठीक है। पहले आपने इक्वेशंस बनानी है ऑपरेटिंग लाइंस, देन मैं आपने उसमें वैल्यूज निकाल पुट करनी है। एक्स टी की कर दी यहाँ पे 0. आपके पास वाई टी माइनस वन निकला है, वाई टी माइनस वन से आप इस इक्वेशन के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर जो है, किधर गई यार, ये इतनी है, आपको पता लग गया कि इसने यहाँ पे टच किया। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना होती कैलकुलेट, ये अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं, ये थ्योरेटिकल मेथड है, और जो हम इस तरह से कर रहे हैं ये एनालिटिकल मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड है, ठीक हो गया। इससे हमने देख लिया, अगर हम इससे भी देखें इस वाले मेथड से, तो देख लो तकरीबन 80.8 से ज्यादा ही आई है, 8.8 से थोड़ी सी ज्यादा आई है, 0.118 आई है अगर हमने उसको दूसरे तरीके से देखा है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको थ्योरेटिकल मेथड से देखें, इस तरह से ड्रॉ करके, तकरीबन मिलती करीब करीब आएंगी, ठीक है। हम ये एनालिटिकल से कर रहे हैं, ये आ गया, और इसके बाद हमने जो ये वाली वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये कहता है xt इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कर्व। जब ये पॉइंट आ गया, जब ये वाला पॉइंट आ गया, तो देन इसको इक्वेशन, इसी वाली डायग्राम को इस्तेमाल करो, नीचे परपेंडिकुलर गिराओ, तो यहाँ से वो कहता है 0.644 के करीब आपकी नेक्स्ट इस प्लेट की कंपोजिशन आ जाएगी। अब आप दूसरी लगाओ, इक्वेशन आपकी वही चलेगी, सिर्फ ये वाली चेंज होती जाएगी। जब ये वाला आंसर टी माइनस टू वाली प्लेट है, तो इससे ऊपर वाली प्लेट की कंपोजिशन क्या है, ये, तो ये पुट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आया, ये आप डायग्राम से निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरह ये आपने यहाँ पे निकाली, और तीसरी आपके पास ये आई। देखो ये हमने वो बात कर रहे थे कि तीसरी प्लेट हमारी फीड की कंपोजिशन है 0.4, लेकिन ये कितना आ रहा है, 3.82। इस प्लेट के बाद निचला सेक्शन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो फिर हमारे पास जो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है वो भी किसकी इस्तेमाल होगी आगे, स्ट्रिपिंग की। इसीलिए देखो यहाँ पे स्लोप चेंज हो गई और वाई इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट की, ऊपर वाली ट्रे की कंपोजिशन एक्स टी, यहाँ पे प्रेजेंट की, ये वाली हुई। इस पॉइंट पे ऊपर कैलिब्रेशन कर पे, ये इस जगह पे पॉइंट लगाओ, ठीक है, और ये आप वाई टी माइनस फोर कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास जो है अगला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आप जो है ना पांचवी प्लेट, फिर छवीं प्लेट, यहाँ पे देखो अभी आपका जो प्रोडक्ट एक्स डब्ल्यू है वो 0.12 है, जो कि 0.10 होना चाहिए था। तब तक हम प्लेटें लगाते जाएंगे जब तक हमें टॉप प्रोडक्ट से बॉटम प्रोडक्ट के कंपोजिशन नहीं निकल आती। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इतनी प्लेट चाहिए थी कि मैं उस टॉप प्रोडक्ट से और बॉटम प्रोडक्ट को अचीव कर सकूं इतनी प्योरिटी का। जी यहाँ पे उसने लगा दिया, सेवंथ प्लेट लगा दी, उससे वैल्यू आएगी 0.048। कहता है दिस इज स्लाइटली वीकर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड, यानी कि 0.1 रिक्वायर्ड है ना, उससे थोड़ी कम ही निकली है। इट मे बी विदड्रॉ एज द, इसको हम जो है ना एज अ बाय प्रोडक्ट बॉटम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली प्लेट जो है ये आपके पास रीबॉयलर के साथ कंपोजिशन है, ये आपके पास किसको जा रही है, रीबॉयलर को जा रही है, और वहां से फिर जो है ना वापस वेपर्स बनते हैं और फिर वो दोबारा चेंबर में आ जाते हैं। तो देयर विल बी 7 प्लेट्स इन द कॉलम, हमारे पास टोटल कितनी प्लेट्स हो जाएंगी, 7 जो है ना प्लेट्स हो जाएंगी यहाँ से। अच्छा कितनी प्लेट्स, इस फीड से ऊपर कितनी प्लेट्स चाहिए, फीड से ऊपर हमें 3 प्लेटें चाहिए, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट और ये वाली थर्ड प्लेट, ठीक है। 3 प्लेट्स ऊपर चाहिए और नीचे कितनी चाहिए, आपकी यहां से स्टार्ट होगी 1,
ये A, और यहाँ से कंडेंसेशन, यहाँ से वेपराइजेशन, ठीक है, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, मतलब या चार प्लेट जो है नीचे चाहिए और तीन ऊपर चाहिए। आपने जो डिजाइन करना है तो फीड आपने देनी है कि आपने डिजाइनिंग कर ली, टोटल 7 प्लेट्स चाहिए, 7 प्लेट्स लगा दी डिजाइन करके, इक्विपमेंट डिजाइन कर लिया, कंडेंसर भी लगा दिया, रिबॉलर भी लगा दिया, प्रोडक्ट आपको चाहिए 90%, तो आप जो है वो पार्शियल कंडेंसर लगाओगे, ठीक हो गया, और रिफ्लक्स वाला पार्ट भी ऐड करोगे, उसमें रिफ्लक्स भी होगा। कितना रिफ्लक्स करोगे, जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग, वो कहता है 3 किलो मोल पर मोल के हिसाब से आप उसको वापस भेज दे जो, और बाकी को उधर भेज दे जो, यानी कि यूं कह लो कि 75% जो है वो रिफ्लक्स कर रहा है, 25% वो बेंजीन को कलेक्ट कर रहा है। 3/1 का यही मतलब होता है, चार पार्ट अगर करें तो 75% जो है वो रिफ्लक्स कर रहा है, 25% वो आपके पास डी के तौर पे हासिल कर रहा है, प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये आपके पास थी डेविस सोरेल मेथड की, डिस्टिलेशन नंबर ऑफ प्लेट्स को निकालना। सिमिलर हम जो है मकैप थेले में करते हैं, मकैप थेले मेथड में भी वही उसकी ये वाली ही इक्वेशन क्रिय होगी, ठीक है। वीएम एलएम इसका भी कैसे कैलकुलेट होगा, ये तरीका लिखा हुआ है, मोल बैलेंस कितना लिखा है, इतने डी प्लस डब्ल्यू, इससे वी निकल आएगा, डी निकल आएगा, और फिर आपके पास यही एलएन मोल फ्रैक्शन रिफ्लक्स रेशियो उसकी भी सेम है, वीएन एलएन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही कहता है, फिर इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर पॉइंट्स लगाओ, डायगनल लाइंस आर शोन इन फिगर 11.15, अभी ये वो ये वाली 11.15, वही वाली डायग्राम, वही वाली डायग्राम सेम टू सेम, ठीक है। इसमें कहता है इक्वेशन ऑफ द टॉप ऑपरेटिंग लाइन, ये है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, हमने इसको डिजाइन करके देख लो, अदरवाइज अगर नहीं यकीन तो हम वही निकलेगी, क्या होगा, एल एन डिवाइड बाय वी एन प्लस डी ओवर वी एन एक्स डब्ल्यू एक्स, वो हम ये वाली वही चीजें हमने वहां इस्तेमाल की थी, यही चीजें हमने यहाँ इस्तेमाल की, कोई फर्क नहीं है। मैं मकैप थेले कह दूं, मैं आपको लेविस सोरेल मेथड कह दूं, ऑपरेटिंग लाइन की जो है ना इक्वेशन सिमिलर है, ठीक है। आपके पास क्या लाइन है, ए बी इज ड्रॉन थ्रू द टू पॉइंट्स, अपर पॉइंट क्या है डिस्टिलेशन, टॉप प्रोडक्ट के पॉइंट क्या है 0.9 0.9 एक्स, और बी क्या है के 0 एंड 0.025, इस इक्वेशन में वो बी पॉइंट पे कह रहा है, बी पॉइंट आपका बनेगा ये वाला, ठीक है। ये वो दूसरा बेसिकली इस ये जो ये वाली लाइन है ऑपरेटिंग लाइन, उस ऑपरेटिंग लाइन के पॉइंट्स बताए हैं इसने, ये 0.99 वाला और ये वाला कितना है 0 है, और जो है दूसरा वाई एक्सिस कितना है 0 और वाई कितना है 0.025, ये इसकी इक्वेशन से निकला, यहाँ से ये वाई इंटरसेप्ट जो है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर कहता है लाइन ए और बी गिराओ, यानी कि स्लोप गिराई है उसने, यहाँ पे स्लोप गिराई है, जिस तरह इसमें मैंने आपको पिछले डायग्राम में स्लोप येलो कलर की स्लोप बनाई थी। सिमिलर दोबारा दूसरे वाले की स्लोप निकालते हैं, 0.11 एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू है, और स्लोप कितनी है, इतनी 1.14, और इसका पॉइंट अगर मैं कहेंगे तो क्या होगा 0 माइनस, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला यहाँ पे 0 एक्सिस के साथ और वाई के ऊपर क्या होगा -0.042, इन दोनों के दरमियान इक्वेशन खींचो जो कि वो कह रहा है सी और डी है, सी और डी, द लाइन सी डी ड्रॉ थ्रू दिस स्लोप, कहता स्टार्टिंग एट पॉइंट ए, यहाँ से स्टार्ट करो, हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करो किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर, टू कट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट वन, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि कैसे जो है ना आपने विड्रॉ कर लाइन ड्रॉ करनी है इक्विलिब्रियम कर्व की तरफ, और किस तरह आपने एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है, पॉइंट ए से 1 की तरफ, फिर 2 की तरफ, फिर 3 की तरफ, फिर 4 की तरफ, फिर 5 6 7 8 9 10, इस तरह आपने 16 तक चले जाना, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। वो कह रहा है कि ये आपको बता रही है पॉइंट 2 के ऊपर कितनी स्टेजेस हैं, ठीक है, पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट, ये एक ट्रे, ये दो ट्रे,
तीन ट्रे ठीक है इस तरह एंड विच गिव्स द नंबर ऑफ प्लेट्स इज रिक्वायर्ड एज 7 ठीक हो गया। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट हो जाएंगी टोटल। तो वो सिमिलर मेथड दोनों ही सेम है लेकिन बस फर्क कितना है, फर्क ये है कि सिर्फ नाम का फर्क है ठीक हो गया। मैं मैकैब थेले से कहूँ, मैं लॉरस लेविस सॉरल से कहूँ, एक ही बात है, आपने सिमिलर जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, इसको जो है ना सॉल्व करना मजीद खुद से, और इक्वेशन को इसको जो है मैंने अब जैसे निकालनी सिखाई है ऐसे ही आप लोगों ने बनानी है। कम से कम एटलीस्ट दो दो पॉइंट्स जो हैं इधर लगा दिए, दो पॉइंट्स इसके यहाँ पे लगा दिए, ऑपरेटिंग लाइंस जो है कि स्लोप किस तरह से ड्रॉ होती है वो उनके इंटर बाय इंटरसेप्ट से और उनके पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाला और वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाली ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक्स डी और वाई इंटरसेप्ट रेक्टिफाइंग का स्लोप्स बना दी। इस पॉइंट पे देखो ये तीनों पॉइंट्स, ये कैलिब्रेशन कर्व है, ये कर्व है ठीक है, सॉरी स्लोप है जो फीड की स्लोप है ठीक है, ये फीड लाइन की स्लोप है, ये येलो वाली ऑपरेटिंग की है और ये क्या है, ये तीनों एक जगह से पास करें, ये तीनों एक जगह से पास करनी चाहिए, ये तीनों लाइनें एक जगह से पास होंगी देन हम उसको समझेंगे ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है जहां पे तीनों ऑपरेटिंग लाइंस, अभी मैंने ये फीड वाली ऑपरेटिंग लाइन तो पढ़ाई नहीं है, अभी अभी ये मैं पढ़ाऊंगा, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो आपको बताता है आपकी फीड किस कंडीशन की है, तो आपकी लाइन जो है ये वाली जो ऑपरेटिंग लाइन है ये सीधी लगेगी या ये यूं करके लगेगी या ये यूं करके लगेगी या ये हॉरिजेंटल लगेगी या बिल्कुल वर्टिकल लगेगी, किस तरह से लगेगी, क्या उसकी स्लोप यहाँ से नीचे की तरफ लगेगी, इस पॉइंट से नीचे की तरफ लगेगी, ये अभी हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप मुझे रिस्पॉन्स दो, कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लो, अदरवाइज जो है वो फिर इसको जो है ना खत्म करते हैं आज के सेशन को। अटेंडेंस बाद की बात है, पहले जो है ना, हाँ हाँ बोलो 32 बोलो यार बोलो। सर ये अब जो से हमारे ऑनलाइन फिजिकल होने हैं लेक्चर, उनमें हमने सर दोबारा सारे पढ़ना है या सारे सूर्य नहीं पढ़ने, मैंने मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन देनी है कि किस तरह से ड्रा होती है डायग्राम्स ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं समझाने मैंने, अच्छा ठीक है, मैं बस एक दफा ड्रा करना बता दूंगा ऑपरेटिंग लाइन को डिजाइन कैसे करते हैं, एक 10 मिनट में वो पता है बता दूंगा, 10 मिनट में मैं आपको जो है ना ये इक्वेशन समझा दूंगा, वो सॉरी टी एक्स वाई डायग्राम और एक्स वाई डायग्राम बता दूंगा ठीक है। आप लोगों ने ये लेक्चर देख के आने, समझ के, जो चीजें नहीं समझ आएंगी ठीक है वो आपको यहाँ पे जब आओगे फिजिकल तो एक सेक्शन एक जो है ना सेशन रख लेंगे 2 घंटे का, उसमें ये सारी चीजें जितनी जल्दी हो जाएगा रिवाइज करवा दूंगा ताकि जो कंफ्यूजन होंगी वो आप लोगों की दूर हो जाएगी ठीक हो गया। तो अभी और कोई चीज रह तो नहीं गई, नंबर ऑफ प्लेट्स निकल आई है ठीक है, ये आपके पास जो है ना नेक्स्ट कल का टॉपिक जो है वो क्यू लाइन का और इंटरसेक्शन का निकालेंगे कि हमारे पास क्या होती है ये ठीक है ओके। अच्छा हाँ आपको एक असाइनमेंट दी थी ये वाली, इसकी दोबारा से जो है ना आप लोगों को कहा तो ये था कि जुमेरात को प्रेजेंट करनी है, तो आप ये समझ लो दोबारा से, कहता है कि एक बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम है जो कि मैकैब थेले मेथड के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिजाइन किया गया है विद डिस्टिलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 90%, ये एग्जांपल इसी के साथ ही मैच कर लो बेशक। कहता है एनरिचिंग सेक्शन की जो ऑपरेटिंग लाइन है उसका वाई इंटरसेप्टर कितना है 0.3 कितना, अब देखो इसमें उसने रिफ्लक्स रेशियो नहीं दी हुई, अगर रिफ्लक्स रेशियो दी होती ठीक है उससे हमें पॉइंट्स मिल जाने थे और एलएन निकल आना था आपके पास और वीएन निकल आना था, उसके बाद आप उसके इक्वेशन में उनकी वैल्यूज को पुट करते तो आपके पास स्लोप भी निकल आनी थी और वाई इंटरसेप्ट की भी वैल्यू निकल आनी थी, लेकिन यहाँ पे उसने रिफ्लक्स नहीं दिया हुआ, उसने डायरेक्ट वाई इंटरसेप्ट दे दिया है, तो वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने इस पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाया
ये 90% का मतलब है एक्स डब्ल्यू दी हुई है, एक पॉइंट आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगाया, दोनों को आपने मिला दिया, आपके पास एक ऑपरेटिंग लाइन आ गई। वो कहता है अब इस इंफॉर्मेशन से बताओ कि लिक्विड टू वेपर फ्लो रेट कितना है, लिक्विड टू वेपर फ्लो रेट कितना है बताओ जी, या स्लोप बताओ। ठीक है, इनरिचिंग सेक्शन की इक्वेशन क्या है कोई बता सकता है बच्चा, लिख के बता दे बेशक या बोल के बता दे। इनरिचिंग सेक्शन जो रेक्टिफाई सेक्शन की है उसकी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या है बताई अभी मैंने, लास्ट लेक्चर में ही भी बताया था, चलो दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन वो बता देता हूँ। वाई एन इज इक्वल टू एल ओवर एल एन ओवर वी एन ये वाली इंटू एक्स डब्ल्यू, ये देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये एल ओवर वी एक्स एन प्लस वन डी ओवर वी एक्स डी, ये दिया हुआ है जी, दिया हुआ है। ठीक है, इसको उसने रिप्लेस किया किसके साथ, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन के साथ रेक्टिफाई सेक्शन ऊपर वाले हिस्से की, y n इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्लस 1 दिस वन। आपको उसने कहा हुआ है कि l ओवर v बताओ, ये उसने पूछा है, l ओवर v का मतलब है उसने ऊपर वाले सेक्शन की स्लोप पूछी है, l ओवर v लिक्विड ओवर टू वेपर डिटरमाइन करो, उसने बताया कि बताओ स्लोप कितनी है इस इक्वेशन की, y इंटरसेप्ट तो दे दिया है, स्लोप पूछ ली है, स्लोप बताओ कितनी है, R over R plus one, R over R plus one, ठीक हो गया, ये y इंटरसेप्ट कितना है इतना, ओके। अभी इससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, आपको जो मैंने डायग्राम दी है इसमें आपको हिंट दिया हुआ है, xd over R plus one की वैल्यू 0.3, इसको R के लिए कैलकुलेट कर लो, R आपका आ जाएगा समथिंग कोई भी, ये कितना है 0.9, जहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दो 0.9 को, 0.3 को इधर ले आओ तो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 आंसर आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 3, ये इधर गया हुआ है आर प्लस वन माइनस वन उधर जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 2। स्लोप क्या होती है इस सेक्शन की, स्लोप ये लिखी हुई आर ओवर आर प्लस वन, आर की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 0.66, आपके पास आंसर निकला है आया l ओवर v, ये किसके इक्वल है r डिवाइडेड बाय r प्लस 1 किसके इक्वल है l ओवर v के इक्वल है, तो निकला ही ना स्लोप भी निकला ही, और इस वाली इंफॉर्मेशन को y इंटरसेप्ट को बना के और xd वाली से हिसाब से पॉइंट लगाया, ये लाइन लगाई, इसको इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर जो है ना ड्रॉ भी कर दिया ऑपरेटिंग लाइन को, ठीक है, और यहाँ से स्लोप भी नहीं निकलाई, यहाँ आपके पास स्लोप भी नहीं निकलाई है, तो इस तरह से आप इसको जो है वो जो मैंने पूछा था वो कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी, तो आप लोगों ने सर जी जी सर ये जो लाइन है जो मीन जो 45 के एंगल पे लगी हुई है, यहाँ पे जो xd की पॉइंट है ये किस तरह लिया है, इसका कोई गिवन वैल्यू है ऊपर? हाँ बिल्कुल है, ये xd क्या होता है प्रोडक्ट में कितना आपके पास बेंजीन आ रही है प्रोडक्ट, हाँ डिस्टिलेट, अब ये बात मैंने बड़े क्लियरली बताई थी, अच्छा होगा आपने पूछ लिया, शायद बाकियों को भी एक्सप्लेन हो जाए। आखिरी प्लेट से जो वेपर्स निकल रहे हैं जो वाइट टी है, वाइट टी वो कितने, वो 90% ही होंगे, वो भी कितने परसेंट होंगे जो प्योरिटी हमने आखिरी प्लेट से वेपर्स में आई है वही प्लेट, अब सिर्फ हमने उसको क्या किया, उन वेपर्स को सिर्फ कंडेंस किया है, सिर्फ उसको कंडेंस किया है, तो आपका जो तो मिक्सचर ऊपर आ रहा है वो 90% बेंजीन वाला है और 10% टोलुइन वाला है, ठीक है, अब उसी को आप कंडेंस कर रहे हो तो आपकी एक्स डब्ल्यू क्या होगी, बेंजीन एक्स क्या है, बेंजीन हमने क्लियरली कहा था, मैं जब वाई और एक्स की बात करूंगा तो मैं वाई और एक्स किसके लिए बात करूंगा, मोर वोलेटाइल के लिए, तो 90% वाई थे तो
एक्सडी में डिस्टिलेट में वो कंडेंस हो के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो उसकी परसेंटेज भी कितनी है, 90%, यानी कि मोल फ्रैक्शन कितनी हुई, 0.9, ठीक है। और उसमें वेपर्स बाय ये पॉइंट जो है, यहाँ पे जो पॉइंट लगता है ये एक्स और वाई का लगता है, तो वाई टॉप वाई कितनी है, वाई टी है, वाई टी कितनी है, 0.9। इसलिए मैंने उसको ऑपरेटिंग लाइन पे जब ये इक्वेशन आएगी यहाँ पे आएगी, तो ये हमने एक जो है ना इस वाली, जिस तरह यहाँ पे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू कहा था, इस वाले उसमें जो आके समझना, यहाँ वाले सेक्शन में समझना है कि ये एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे आया है। जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, बड़ी क्लियरली आपने इस चीज को यहाँ से समझना है कि ये एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे आया, ये इस इक्वेशन से आया है। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन ये थी। अगर मैं इसका पॉइंट मैं कंसीडर करूं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करूं इसका, तो वाई इज इक्वल टू एक्स होती है। यहाँ पे मैंने वाई इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने एक्स को, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह वाई क्यों पुट किया, मैं क्यों ना मैं यहाँ इस वाई की जगह एक्स पुट कर देता, इसलिए कि ये ऊपर वाला सेक्शन है। ऊपर वाले सेक्शन में रेक्टिफाइंग सेक्शन में क्या होते हैं, वेपर्स, वेपर्स बनते हैं रेक्टिंग में, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको वाई से रिप्लेस किया। और लेकिन मैं निचले वाले में जब इस तरह से निकालूंगा तो मैं वहां को यहाँ पे एक्स रहने दूंगा, यहाँ पे वाई को रिप्लेस करूंगा उसकी ऑपरेटिंग लाइन से। ऑपरेटिंग लाइन में उसकी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन अलग है, ठीक है। वहां पे मैं उसको एक्स रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे मैं वाई को रिप्लेस करूंगा एक्स के, यहाँ पे मैंने एक्स एन प्लस वन को रिप्लेस किया वाई के साथ, ठीक हो गया। तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। कैसे आया वो ये देखो, इससे मैंने निकाला, ये मेरे पास निकला वाई इज इक्वल टू एक्स डी। ओके, मैंने कंसीडर किया था इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाई इज इक्वल टू एक्स डी आ गया है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि वाई जो है वो एक्स के ही इक्वल होता है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो वाई इज इक्वल टू एक्स, ये भी लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसीलिए मैंने, अगर ये वाई एक्स डी है तो एक्स भी किसके इक्वल होगा, एक्स डी के। सिमिलरली इस सेक्शन में यहाँ पे वाई वाई किसके इक्वल है, एक्स के, ये लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसको रिप्लेस किया मैंने, यहाँ पे वाई एम की जगह एक्स पुट कर दिया। क्यों, निचले पोर्शन पे मेरे पास मैंने कहा कि स्ट्रिपिंग सेक्शन है, डिसॉर्प्शन हो रही है, लिक्विड्स सेपरेट हो रहे हैं, लिक्विड्स प्रोपोर्शन ज्यादा सेपरेट होकर रीबॉलर में जा रही है, और एज अ प्रोडक्ट वो लिक्विड फॉर्म में हम एक्स डब्ल्यू जो है वो मिल रहा है बॉटम। इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया और इसको सॉल्व किया तो क्या निकला, एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाले भी, मैंने ये वाली पोर्शन जो है ये नहीं किया हुआ, ये भी कर देता हूँ, ये सारे का सारा कैंसिल कर देगा इसको भी, ठीक है। पीछे क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, एक्स किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे, वो वाला पॉइंट यहाँ पे, और जो जो फीड वाली ऑपरेटिंग लाइन होगी, जो जो फीड, ये वाली कौन सी लाइन है, ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्किपिंग सेक्शन, ठीक है। और जो पहले एक्स डी के ऊपर जो से गिर के जो वाई को टच कर रही थी वो क्या थी, ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाई सेक्शन। और फीड लाइन के ऊपर क्या होगी, यहाँ से फीड की कंपोजिशन जो होगी, पॉइंट वो लग गया, उसको यहाँ से ऊपर से इधर को गिरा दो, उससे सीधी परपेंडिकुलर गिरा दो। हो सकता है मैं कहूँगा ये परपेंडिकुलर ना, बेहतर ना, परपेंडिकुलर नहीं गिरानी, कोई होर गिरानी है, वो कैसे गिरानी है वो मैं अगले लेक्चर से दसांगा। वो हो सकता है वो इस तरह गिरा, इसी तरह भी गिरा सकते हैं जिस तरह ये गिरी हुई है, ठीक है। वो इस तरह भी गिर सकती है कि ये कंपोजिशन थी तो इस साइड पे यूं गिर रही है, ठीक है। वो हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे सीधी, वो हो सकता है इस शेप में जा रही हो सकता है वो आपके पास इसको यू टच कर रही हो इस तरह से। वो कैसे होगी वो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा। वो पूरा एक लेक्चर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और ये क्वेश्चन जो है आपके गैट, जो गैट टेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज के जो है ना वो, और उसमें ऐसे इन्हीं लाइंस के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों लाइंस, स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन, ऑपरेटिंग रेक्टिफाइंग की, और तीसरी को हम कहते हैं फीड लाइन।
फीड लाइन की ऑपरेटिंग इक्वेशन, और उसका नाम होता है क्यू लाइन, उसको हम कहते हैं क्यू लाइन। वो उसका क्या, उसकी क्या आपकी फीड की क्या कंडीशन है, तो क्यू लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी इस कर्व के ऊपर, इस वाली कर्व पे, इक्विलिब्रियम कर्व पे। इससे आपके पास डाटा निकलता है कि आपके पास जो रिफ्लक्स रेशो कितनी काउंट होगी। ठीक है, मैंने आपको एक बात बता रहा था, जहां पे तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी उस पॉइंट के ऊपर मिनिमम रिफ्लक्स करते हैं आप। उस प्लेट के ऊपर हमने जो है वो रिफ्लक्स कितना रखना है, सबसे कम रखना है। टोटल कब रखना है वो भी बताऊंगा, और ठीक है, और मिनिमम कब रखना है वो भी बताऊंगा। अगर हमें टोटल रिफ्लक्स का मतलब है जो ऊपर से आ रहे हैं सारे के सारे, मैं वापस 100% उसको रिफ्लक्स कर रहा हूँ, डी मेरे पास जीरो है, डी मेरे पास जीरो है। और अगर मुझे आर आर जीरो रखना है, रिफ्लक्स जीरो रखना है, ठीक है, तो देन मुझे क्या नाम 100% डी चाहिए होगा। ठीक है, वो देखते हैं वो किस तरह से जो है ना आपको अगली वो बातें हैं वो बाद में करेंगे। तो ये जो आप बच्चे पूछ रहे थे, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्सडी कैसे आया है। ये यहाँ पे उसने कहा कि एक्सडी जो मोल डिस्टिलेट की मोल फ्रैक्शन है वो कितनी चाहिए मुझे, 90%। आप ऊपर से नीचे की तरफ प्लेटें गिनना स्टार्ट करनी है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करनी है ऊपर से नीचे। ये नहीं है कि सेंटर से निकालो कि भाई इससे उतनी चाहिए और नीचे से करो, नहीं, आपने गिवन इंफॉर्मेशन जितना ऊपर वाली ट्रे का उसमें कंपोजिशन या डिजायर प्रोडक्ट 90% प्योरिटी का चाहिए। हो गया सर जी। और फिर हमें इक्विलिब्रियम कर्व भी खुद ही डिजाइन करनी है इसकी। कौन सी, ये आखिर में जो लिखा हुआ आल्सो प्रेजेंट इट ऑन इक्विलिब्रियम कर्व। और पुत्र ए जेडी मैं बनाई है ना, इन नीट करके लिखना है। मैं ये सिर्फ हिंट भी दे दिया इधर असाइनमेंट का, और ये इक्विलिब्रियम कर्व भी दे दी आपने इस तरह। ये मैंने तो रफ बनाई हुई है ना, आपने यहाँ पे उसको बकायदा टैगिंग करके ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट उसको इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.9 वाला पॉइंट भी लगाना है, क्योंकि आपने वहाँ उस पर सीधी लाइन खींचनी है, जिस तरह अभी मैंने इसमें आपको ये वाली डायग्राम जो है ये निकाल के, ये देखा है एक्स डी के ऊपर लाइन लगाई है, यहाँ पे लिखना है ऐसे लाइन बनानी है। वो तो समझ गया सर, लेकिन ये वो जो असाइनमेंट में भी ऐसे ही करनी है। ठीक है, ये मतलब कर्व के डिजाइनिंग के लिए और कुछ टेक्निकल तो नहीं है? नहीं, ये टेक्निकल ही है ना। देखो आपको डिजाइन, अगर आपको वो कह दे भाई थोरेटिकल आप जो है ना कैलकुलेट करके बताओ, चलो जी कितनी प्लेटें लगेंगी ना, अगर तुम 40% प्योरिटी वाली फीड में तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे 90% प्रोडक्ट चाहिए, या मैं कह देता हूँ ये तो 90% के लिए साथ लगी थी ना, मैं कहता हूँ कि 99% प्योर चाहिए, कैलकुलेट करके दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो फिर इसी मेथड देखिए, एक मिनट, इसी मेथड के अकॉर्डिंग 99% वाली प्योरिटी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे टॉप पे आएगी, उससे इधर गिराई एक, नीचे गिराई, फिर परपेंडिकुलर, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर परपेंडिकुलर, करते 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 आपको नंबर ऑफ प्लेट्स पता चल जाएंगी टोटल। या 99% चाहिए था, आखिर में कितना चाहिए था, 0.01%, यानी कि 1%, 99% ऊपर और यहाँ पे 0.01 की वॉल फ्रैक्शन। तो अब मुझे बताओ टोटल कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स लगाऊं, आपने आप इंजीनियर हो, आप डिजाइन करके दो भाई मुझे डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, ये तो 90% के हिसाब से सात बनी ना, और फीड की कंडीशन ये थी तो इतनी बनी। फीड की कंडीशन कुछ और हो तो नंबर ऑफ प्लेट्स भी, और फिर जाहिर है ऊपर कितनी चाहिए होंगी रेक्टिफाइंग के लिए और नीचे कितनी चाहिए होंगी वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा, ऊपर तीन प्लेटें चाहिए, नीचे चार प्लेटें चाहिए, टोटल कितनी चाहिए, सात चाहिए। ठीक है, आपने तीसरी प्लेट जो है चौथी प्लेट के ऊपर, सॉरी तीसरी प्लेट के ऊपर वो आपने इनफ्लो के लिए पाइप छोड़ना है, वहां पे डिजाइनिंग करनी है ना। ये तो ना होगा कहीं वो नीचे वाली जो निचली प्लेट है, नीचे से अगर मैं गिनूं तो वो चौथी के ऊपर ही इनकी लाइन दे दे
और आप रह जाओ करो, बाद में आपको सर पकड़ के भाई ये तो 90% अचीव ही नहीं हो रही इतनी प्लेटों से। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास वो प्योरिटी 90 करनी थी लेकिन वो ज्यादा आ रही है। ठीक है, आप इट मीन्स कि आपकी एनर्जी भी लग रही है और आपकी प्योरिटी ज्यादा तो कर दी, एनर्जी भी ज्यादा लगी, पैसे आपने प्रोडक्ट आपने 90% करके बेचनी पड़ेगी आपको। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपकी कुछ और थी, आप जो है ना मजीद प्योरिटी के दे रहे हो, मजीद जितना प्योरिटी करने है उतनी ज्यादा हीट लग रही है। ठीक है, अब पूछो जी दूसरा क्वेश्चन। सर, जी, बोलते जाओ यार, सुन रहा हूँ। 45 पे नमाज है सर, नमाज पढ़ के दोबारा ज्वाइन करता हूँ अगर लेक्चर कंटिन्यू हुआ तो, नहीं तो मैंने नहीं नहीं हाजिरी के बस लिए अटेंडेंस खत्म, बस खत्म, फ्रेंड से अपनी कॉल करते जो। मैंने ओके कॉल कर दिया। जी, थैंक यू किसी सर। को और कोई क्वेश्चन? जल्दी से अटेंडेंस कॉल कर दो, मिनट लगाओ। सर ये कब जमा करवानी है ये असाइनमेंट? जिस दिन आना है उस दिन ही असाइनमेंट लेके आनी है, मतलब नेक्स्ट वीक में, जिस दिन क्लास का मेकअप अरेंज करेंगे उस दिन। ये असाइनमेंट नंबर 3। हाँ, दो दो भी और तीन भी, और अभी चौथी भी आने वाली है। दो और तीन को जो है ना कंबाइन कर लेना बेशक, या दो को अलग रहने देना, तीसरी और चौथी को कंबाइन कर लेना, उसको एज अ वन असाइनमेंट ही जमा कराना। अभी वो नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह जो है ना सैटरडे को प्लान कर लेंगे, तो या मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ना उसको सुन लीजिए, लोगों ने फिर सेशन सर करना है। पेपर फिजिकल होने जा रहे हैं। जी, मुझे अभी तक तो फिजिकल की ही खबर है, बाकी आप जो भी होगा जैसे भी होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जी, अटेंडेंस हो गई है तो बता दो, ओके, वरना मैं जो है ना क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर असाइनमेंट फिजिकल वीक में जमा करवानी है जी बच्चे, असाइनमेंट फिजिकल जमा करवानी है, हार्ड कॉपी। तो सर ये नेक्स्ट वीक है, वो तो हमारा ऑनलाइन है सर, आसिम कह रहे थे 1st वीक फरवरी का। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको कह दिया है कि आप लोगों ने अगर कुछ समझना है, अगर आप लोगों को शौक है समझने का तो यू आर वेलकम। ठीक है, मैंने HOD से इजाजत ले ली है कि आप लोगों को, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने ना कुछ चीजें फिजिकल समझनी है, ऐसे हमें ना क्लियर नहीं हो रहा, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका मास ट्रांसफर, और खास तौर पे डिस्टिलेशन, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं डिस्टिलेशन के आपके टेस्टों में, जब जॉब्स के लिए आपने टेस्टों में जाना है। ठीक है, तो चीजें आपको, अब मेजर चीजें यही है कि इक्विलिब्रियम डायग्राम कैसे बनती है, ऑपरेटिंग लाइन किस तरह से ड्रॉ होती है, देन जब ये चीजें ड्रॉ हो जाएंगी, समझ आ जाएगी, देन आपके पास जो है ना वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि यार ऑपरेटिंग लाइन रेक्टिफाइड सेक्शन की होती है, उसकी स्लोप की वैल्यू ये होती है। अच्छा, आप इसमें डाटा क्या दिया होगा? अच्छा, वो ये तो दिया होगा। लो जी, स्लोप से आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी, रिफ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, स्लोप कैसे निकलेगी वो भी आपको बता दिया, कैसे निकलेगी आर भी बता दिया, आर की एग्जांपल ये भी है कि रिफ्लक्स बताओ कितना है। ठीक है, रिफ्लक्स बता दिया आपको। ठीक है, रिफ्लक्स भी निकल आया बल्कि उससे, और उससे स्लोप भी निकल आई, दोनों चीजें निकल आएंगी तीसरी असाइनमेंट में। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू से रिफ्लक्स रेशियो, रिफ्लक्स निकल आई आर। ठीक है, रिफ्लक्स रेशियो निकल आई और उससे मजीद आ गया, रिफ्लक्स रेशियो से आपके पास स्लोप निकल आया। ठीक है, तो ये चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अगर अगर आपने अच्छी फॉर्म्स में जॉब करनी है जहाँ पे ये डिस्टिलेशन जिस तरह एग्रो हो गई, फौजी फर्टिलाइजर्स हो गई। ठीक है, ये आपके पास कंपनी जब टेस्ट लेते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन है, इवन कि आप जब प्यास में एमएस के लिए एडमिशन ले होंगे, एटॉमिक एनर्जी में जाना है तो वो एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट होते हैं, वहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।
इसकी अटेंडेंस रह गई है, वो रह गई है।